मैं रिहान को रूही के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकती। मेरी तो बस यही दुआ, रिहान जहां भी हो बस ठीक हो। क्या सोच रही हो निवल? अजीब, पहले मुझे लगता था कि मुराद और अनीशा के दरमियान जो भी इश्यूज हैं, जो भी दूरियां हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब तो मुझे ऐसे कोई आसार नजर ही नहीं आ रहे। समझ नहीं पा रहा तुम क्या कहना चाह रही हो। वो रूही रिहान को किसी खुफिया जगह छोड़ आई है और उसका कहना है कि जब तक मुराद उससे निकाह के लिए हामी नहीं भरता, उस बच्चे के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएगी। आप जानते हैं इस वक्त अनीशा कितने स्ट्रेस में है। मुझे तो डर है कि कहीं वो प्रेशर में आके मुराद को रूही से निकाह के लिए मजबूर ना कर दे। अनीशा पहले ही मुराद को रूही को अपनाने की इजाजत दे चुकी है और अब तो मामला रिहान का है। मैं जानती थी कि वो शैतान लड़की कुछ ना कुछ जरूर करेगी, पर उसने तो सबके दुखते रख पे पैरे रख दिया। फैसले की घड़ी मुराद के लिए है कि वो क्या करता है। अब वक्त आ गया है, अब इन दोनों में से वो किसी एक का इंतखाब कर ले। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं बच्ची? बच्चा या अनीशा? इन दोनों में से मुराद को किसी एक को चुनना होगा। मुराद का फैसला बताएगा कि वो अनीशा से कितना प्यार करता है।